हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और अभी क्या टाइम हो गया भाई? अभी टाइम हुआ है 9:30 से 5 मिनट पहले, यानी कि 9:25। और आज हमारा मिशन है केक का लेके जाने का। केक का चूचक पी लिया, जो भी समझ लीजिए। वैसे तीनों चीज़ इकट्ठी कर ली हमने, और सभी बच्चे जनता पार्टी सब जाएंगे यहाँ पे, माँ पिताजी और चाचा जी को छोड़ के हैं, और सब रेडी हैं। और आज नीलाक्षी बहन की विदाई है, वो भी यहीं से वहाँ तक जाएंगे मुजफ्फरनगर तक, फिर आगे ड्रॉप कर देंगे उन्हें। तो सब बच्चा पार्टी एकदम रेडी हैं। 9 बजे का टाइम दिया था, और थोड़ा सा लेट लतीफ हैं, और इतने सारे बच्चे, इतने सारे जब एक साथ चले ना सब कहीं, तो इतना तो हो ही जा। तो वैसे भी जो है अभी थोड़ी देर में सब तैयार हो लेंगे। इसके संग चलना कैसे कैसे जाएंगे? मैं कह रही कुछ बाइक पे जाएंगे, कुछ गाड़ी में जाएंगे। यहाँ कुछ चल रहा है सलाम असवरा, तो जैसे कि सवारियाँ ज़्यादा हैं और साधन जाने के कम है। माई कहे में जाएगी तू, बाइक पे या गाड़ी में? गाड़ी। तो गाड़ी हमारे पास है एक, और सवारियां ज्यादा हैं, तो इसलिए बाइक्स पे एडजस्ट होंगे कुछ लोग। 17 सवारी है और 7 सीटर गाड़ी। 17 है, गिन ली 17 सवारी इसने गिन लिए। 2 बाइक जाएंगी, 1 गाड़ी जाएंगी। अब गाड़ी में सामान भी जाना, आदमी भी जाने, और बाइकों पे भी यही है। नहीं, गाड़ी भी 2 हैं। गाड़ी 2 है। हाँ, क्योंकि तेरे चाचा अपने दोस्त की गाड़ी में जाएंगे मुजफ्फरनगर तक, तो सब एडजस्ट हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बात है रेडी। हाँ जी, 4 गाड़ी होगी। हाँ, 4 गाड़ी, 2 थैले में धरी उसकी सृष्टि की, वे छोटी छोटी। हाँ, खिलौने वाले। तो भाई सामान है सब तैयार, कुछ बैग ये हैं, कुछ वो देखो पन्नी धरी एक बड़ी सी, ये सारे रखे, ये सब जाएंगे। और नीलाक्षी बहन सवारियाँ अभी भीतर हैं, सवारी अभी ये डिसाइड हो रहा है भाई कौन सी गाड़ी में बैठ कर जाएगा और बाइक पे कौन जाएगा। बच्चे गाड़ी की तरफ दौड़ लिए, भाई देखो गाड़ी आ गई हमारी और वो खड़ी है। तो चलो भाई सामान रखने की तैयारी करते हैं। नंदनी ने तो ले लिया अपनी सीट यहाँ पे है। नंदनी एक सवारी हो रहा होगी यहाँ पे, ठीक है। चिंकी बच्चे दो बैठ जाएंगे। और अच्छा आरुषि तुमने बीच में ले ली, और माई ने भी। सार्थक चलो भाई, कहाँ बाइक पे जाऊंगा? बाइक पे नहीं बैठा, बाइक पे ना, बाइक पे नहीं, इसमें बैठो, इसीलिए तो हम बाइक पे जा रहे हैं, तुम इसमें बैठो सारे। हैं, आपने सीट ले ली अपनी? चलो भाई बैठ के इसमें, अरे इन्हें लेकर चलियो आलिया में। तो देखिए फ्रेंड्स, स्किन में जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम लोग शहद भी लगा लेते हैं। लेकिन शहद लगाते हैं तो स्किन में बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होती है, और मलाई लगाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होता है इंसान, ना खाने के लिए और ना ही लगाने के लिए। तो यहाँ पर मामा अर्थ ने निकाल दिया है हमारे लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश। तो मामा अर्थ हनी मलाई फेस वॉश है ये मेरे पास में, जिसका आज मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, फ्रेगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, इससे आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होती है, क्योंकि मैं इसे 4-5 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ अपनी स्किन पर। तो अभी और ये फेस वॉश हनी और मलाई को मिलाकर बनाया गया है। मामा अर्थ ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों के लिए तैयार किया है, एकदम नेचुरल। मामा अर्थ के प्रोडक्ट जितने होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं। ये फेस वॉश हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और हर तरह की स्किन पर ये सूट आते हैं, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। मामा अर्थ हनी मलाई फेस वॉश के साथ साथ पारंपरिक रूप से भरपूर सामग्री और शहद और मलाई के गुण वाला है, जिससे हमारी त्वचा चिकनी और हल्की चमकदार महसूस होती है। और देखिए मैंने आपको लगाकर अभी इसको दिखाया है, इस तरीके से ही इसको हल्के हाथों से जो है मसाज करनी है कुछ ही मिनटों तक अपने चेहरे पर, और उसके बाद नॉर्मल यानी ताजे पानी से हमें अपने चेहरे को धो लेना है। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं ये वाले, और इस फेस वॉश में मलाईदार बनावट हल्के झाग देती है, जो हमारी त्वचा को धीरे धीरे अंदर से साफ करती है, और जो मलाई होती है हमारी स्किन को चिकना बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो हल्के हाथों से मैंने तौलिए से इसका, और ये प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ नेचर है, नो टॉक्सिन्स, क्रूडली फ्री और प्लास्टिक पॉजिटिव है। और यहाँ पर मुझे फेस वॉश हनी मलाई के साथ साथ में रिसीव हुआ है ये मामाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी है, ये आपकी स्किन को सूटेबल रखता है एकदम। हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी अभी, और इसको भी इस तरीके से अपनी उंगलियों पर लेके लगाना होता है, लेकिन इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी। तो डॉट डॉट करके मैंने पूरी अपने चेहरे पर इसको लगा लिया है, और अभी इसको अपनी स्किन में जो है इस तरीके से हम लगा देंगे। थोड़ा सा कर लेते हैं मेकअप और आपसे मिलते हैं तभी मेकअप करने के बाद में, क्योंकि सुबह से जो है पूरा
रूटीन मेरा अपने घर का चल रहा था, तो मैंने सोचा चलिए ये वाला रूटीन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये फेस वॉश हमारे तेलीय त्वचा व कील मुहासों को एकदम से कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को एकदम सुंदर बनाता है। और ये प्रोडक्ट एकदम हानिकारक रसायनों और विषाक्त पदार्थों से पूरी तरह से मुक्त है और आप चाहे तो आप अपने किसी भी नजदीकी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। ममा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका पर मिल जाते हैं और लाइट वेट है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला, मेड सेफ एंड सर्टिफाइड भी है। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एकदम नेचुरल होते हैं। आप ममा अर्थ के ऐप या फिर वेबसाइट से भी इन्हें खरीद सकते हैं। ममा अर्थ अपने पेड़ उगाते हैं और अपने ही नेचुरल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ममा अर्थ का प्लान 2025 तक 1 मिलियन पेड़ लगाने का है। और ये सारे प्रोडक्ट आप मेरे दिए गए कूपन कोड से भी खरीद सकते हैं। अभी एडजस्टमेंट कर रहे भाई सब बच्चों का, अरविंद और प्रीति, एक अरविंद का दोस्त है उसकी गाड़ी में जाएंगे और इसमें कुछ बच्चे एडजस्ट कर देंगे और अनिल भाई, भाभी और माई इसमें जाएंगे और हम लोग जाएंगे बाइक पे। अमित आ रहा है और पूजा आ रही है, उसे इसमें बैठा देंगे भाई। गुड्डू अमित के साथ हो लेगी बाइक। इस तरह से कुछ एडजस्ट करना है, सबके लिए सीट मिल जाएगी। चलो भाई बच्चे को जी सवारी हम लेके आओगे। नंदनी चश्मा लगा लियो है, दो भूख से बच गए। चलो ठीक है, बंद कर लो सही से। तो गाड़ी की सीटें फुल हो गई थी, फिर हमने सोचा कि आरुष को भी साथ में ले लेते हैं, लेकिन आरुषी को फिर हमने अरविंद भैया के साथ में छोड़ दिया। आरुषी बाइक पे सो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है, आरुष तो सफ़र जाकर कर लेता है। तो फिलहाल हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए और शुरू में जब डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ मिलती है, लेकिन हमने उसे क्रॉस कर लिया। अभी लेंगे छोटा सा एक ब्रेक क्योंकि आरुष को लगी है भूख, तो हम लोग जो हैं सारे के सारे साथ साथ में ही हैं। तो अभी हमने लिया है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में एंट्री करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक में और उसको कुछ खिलाना है क्योंकि एक्साइटमेंट में इसने सुबह से कुछ नहीं खाया कुछ भी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो हम सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, सारे मतलब गुड्डू, मैं, अमित और जिनके पापा। चल भाई क्या खावा को बता दें, जल्दी बता दो। और इधर ही इनके पापा का फ़ोन आ गया और अमित का फ़ोन आ गया। प्रीति, अरविंद आ रहे हैं पीछे गाड़ी में और एक गाड़ी निकल गई आगे, और हम चार जने हैं, पांच जने बाइक पे, तो बाकी सब उसमें ही हैं। तो चलो जी चलते हैं बस अपने सफ़र को, थोड़ा सा रह गया यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास से। अब इसका मूड ऑफ है और ये ना रास्ते में अपनी कैब भी फेंक देता, इसका मूड इसलिए ऑफ है, जिसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, ऐसे ही चल रहे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो एक स्टॉप लिया यहाँ, भैया लेने गए फ्रूटी और मम्मी पापा भैया का ही वेट कर रहे हैं और फ़ोन करके पूछ रहे कौन पहुंच गया, कौन रह गया, फ्रूट्स किसने लिए, सामान किसने लिया। तो अभी यहाँ से फ्रूट्स भी लेंगे और इसे कुछ खिलाएंगे तब चलेंगे आगे की ओर। भैया लेने तो जा रहा, कोई चीज और यहाँ पे एक ही है, क्या लेना भाई, खाना भाई कुछ खाना के यहाँ से। तो भैया आगे फ्रूटी ले आए, बड़े वाली बड़ी ले आए, बैग में रखता है। वही चेयर्स की भी बाट नहीं देखी, एकदम पीली से, एकदम पीली पेट में दर्द हो गया, एकदम से नहीं करते, एकदम पीली ने। और यहाँ सबने फ्रूटी पी ली, अब आरुष की लास्ट ग्लास रह गए, पहले ग्लास उसके पेट में दर्द हो गया था लेकिन अभी ठीक है, अब ये पी रहा आराम से सिप कर करके क्योंकि इसने ना एकदम पी ली थी। अब यहाँ से निकलेंगे कुछ ले रहे फ्रूट्स वगैरह और चाचा जी भी आने लग रहे, चाचा जी और चाची जी, तो चलो अभी चल रहे। तो पहुंच गए पिंकी बहन के घर पर और गाड़ी में जितने बंदे थे वो लोग हम लोगों से पहले आ गए थे, लेकिन अरविंद भैया अभी चले थे वहाँ से क्योंकि हमने फ़ोन पे बात कर ली थी। और देखिए इन्होंने कितने अच्छे से जो है सारी तैयारियाँ कर रखी है और ये लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और जब काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मना ये तो मूसा बना रही, जब भी मांगू जब भी सोती हुई मिला है मुझे।
वेरी गुड टू मम्मी, मुझे भी दे दो से, आप ही खिलाओ, जाओ लो ले लो, तो ले ले गाओ पहले, किसका तो ले गाओ, ए सृष्टि हां खोल खोल के दे दी, देख लिया मम्मा की तरह पाल भी उड़ गए, इसकी तो कर कर के तो उड़े, ये यहां यहां तो उड़ गए पीछे है बस, पीछे से मम्मा ने चाव मर गया था क्या, जब का तो थी ए मम्मा ही आ रहे थे, मम्मा ही आ रहे थे, भूख लगी, भूख लगी नंदनी को तो देख भूख लगी, तो सबसे मिलने के बाद में अभी यहाँ पर नाश्ता लगा दिया है क्योंकि नीलाक्षी बहन को फिर आगे जाना है, रुड़की में जाएगी वो और गुड्डू के पापा गाड़ी से ही छोड़ कर आएंगे, साथ के साथ बच्चे परेशान ना हो क्योंकि इन्हें वोमिट भी होती है सफ़र करते हुए, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ में। तो प्रीति अरविंद भैया भी आ गए थे, तो कुछ सामान इनके पास था, कुछ गाड़ी में था, बैग वगैरह कुछ, नीलाक्षी बहन का भी 2-3 बैग हो रखे थे, तो इस वजह से जो है और जाते टाइम जो है सारे के सारे एक साथ चले जाएंगे, लेकिन आते टाइम थोड़ा सा और पांचों बहन भाइयों के सारे बच्चे आज काफी दिनों बाद सृष्टि के वे ही इकट्ठे हुए हैं और ये देखें इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, यहाँ पर कैरम बोर्ड ये खेल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है।